गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के समक्ष लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो चलिए, नदियों के नाम, उनका उद्गम स्थान और वो गिरने का स्थान कहाँ है, इसको हम लोग वन बाई वन करके पढ़ते हैं। तो नील नदी का उद्गम स्थान क्या है? विक्टोरिया झील, बुरुंडी। और वो गिरने का स्थान कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में। तो नील नदी का उद्गम स्थान है विक्टोरिया झील, बुरुंडी, और उस वो भूमध्य सागर में जाके गिरती है। अमेजन नदी का उद्गम स्थान क्या है? लैगोविल फेरो। अमेजन नदी का उद्गम स्थान क्या है? लैगोविल फेरो। और वो कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्गम स्थान है रेड रॉक स्रोत अमेरिका, और उसके गिरने का स्थान है मैक्सिको की खाड़ी। मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? रेड रॉक स्रोत अमेरिका, और उसके गिरने का स्थान क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। यांगसी नदी का उद्गम स्थान तिब्बत का पठार है और वो चीन सागर में जाके गिरती है। यांगसी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तिब्बत का पठार और वो चीन सागर में जाके गिरती है। ओबे नदी का उद्गम स्थान क्या है? अल्टाई पर्वत, और कहाँ जाके गिरती है? ओब की खाड़ी में। ओबे नदी का उद्गम स्थान है अल्टाई पर्वत और वह ओब की खाड़ी में जाके गिरती है। हांगहो नदी का उद्गम स्थान क्या है? क्यूनलून पर्वत। हांगहो नदी का उद्गम स्थान क्या है? क्यूनलून पर्वत और वह चिहिल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है? चिहिल की खाड़ी में। येनिसी नदी का उद्गम स्थान क्या है? रान्नू ओला पर्वत। क्या है? रान्नू ओला पर्वत है और वह आर्कटिक महासागर में जाके गिरती है। येनिसी नदी का उद्गम स्थान क्या है? रान्नू ओला पर्वत और वह आर्कटिक महासागर में जाके गिरती है। कांगो नदी का उद्गम स्थान लुआल्या व लवापुला के संगम। कांगो नदी का जो उद्गम स्थान है वह है लुआल्या व लवापुला के संगम और वह अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। आमूर नदी का उद्गम स्थान क्या है? सिल्का रूस आर्गुन के संगम, और वो कहाँ गिरती है? टार्टर स्ट्रेट में। कहाँ पे? टार्टर स्ट्रेट में। लीना नदी का उद्गम स्थान क्या है? बेकाल पर्वत रूस और वह आर्कटिक महासागर में जाके गिरती है। लीना नदी का उद्गम स्थान क्या है? बेकाल पर्वत रूस और वह आर्कटिक महासागर में जाके गिरती है। मैकेंजे नदी का उद्गम स्थान क्या है? फिनले नदी के मुहाने से और वह ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिरती है। मैकेंजे नदी का उद्गम स्थान फिनले नदी के मुहाने से है और वह ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिरती है। नाइजर नदी का उद्गम स्थान गिनी अफ्रीका है और वह गिनी की खाड़ी में जाके गिरती है। नाइजर नदी का उद्गम स्थान क्या है? गिनी अफ्रीका, और वह कहाँ गिरती है? गिनी की खाड़ी में जाके गिरती है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। मिकांग नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के पठार है और वह दक्षिणी चीन सागर में जाके गिरती है। मिकांग नदी का उद्गम स्थान क्या है? तिब्बत के पठार, और वो कहाँ गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में। वोल्गा नदी का उद्गम स्थान क्या है? ब्लडाई पठार रूस, और वह कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। वोल्गा नदी का उद्गम स्थान है ब्लडाई पठार रूस, और वह कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। सैन फ्रांसिस्को का उद्गम स्थान दक्षिणी मिनास गिटेस ब्राज़ील है और वह अंद महासागर में जाके गिरती है। सेंट लॉरेंस का उद्गम स्थान क्या है? ओंटारियो झील, और वह कहाँ गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस का उद्गम स्थान है ओंटारियो झील और वह सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील और वह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील और वह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास है और वह कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास है और वह अरब सागर में जाके गिरती है। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थान ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी है और वह काला सागर में जाके गिरती है। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थान ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी और वह काला सागर में जाके गिरती है। फरात नदी का उद्गम स्थान
करासुन व मूरत नहरी संगम है और वह सत अल अरब में जाके गिरती है। डार्लिंग नदी का उद्गम स्थान ऑस्ट्रेलिया है और वह मरे नदी के में जाके गिरती है। मरे नदी का उद्गम स्थान ऑस्ट्रेलियन आल्पस से है और वो कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में। नेल्सन नदी का उद्गम स्थान बो नदी का ऊपरी भाग है और वो कहाँ गिरती है? हडसन की खाड़ी में। नेल्सन नदी का उद्गम स्थान बो नदी का ऊपरी भाग है और वह हडसन की खाड़ी में जाके गिरती है। पराग्वे नदी का उद्गम स्थान मांटो ग्रोसो ब्राज़ील है और वह पेराना नदी में जाके गिरती है। यूराल नदी का उद्गम स्थान दक्षिण यूराल पर्वत रूस है और वह कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। गंगा का उद्गम स्थान गोमुख हिमानी से है और वह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? गोमुख हिमानी से और वह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। आमू दरिया का उद्गम स्थान निकोलस श्रेणी पामीर से है, वो कहाँ गिरती है? अरल सागर में जाके गिर जाती है। सालविन नदी का उद्गम स्थान तिब्बत क्यूनलून पर्वत के दक्षिणी दक्षिण से है और वो कहाँ गिरती है? मर्तावान की खाड़ी में। अरकनसास नदी मध्य कोलोरेडा रेडो इसका उद्गम स्थान है और वह मिसिसिपी नदी में जाके गिर जाती है। कोलोरेडो नदी का उद्गम स्थान ग्रैंड कंट्री है और वह कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिरती है। नीपर नदी का उद्गम स्थान ब्लडाई पर्वत रूस से है और वह काला सागर में जाके गिर जाती है। ओहियो नदी का उद्गम स्थान पोटर कंट्री पेंसिल्वानिया है और वह मिसिसिपी नदी में जाके गिरती है। इरावदी नदी का उद्गम स्थान माली और नामी नदी का संगम है और वह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ओरेंज नदी का उद्गम स्थान लिसोथो है और वह अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। ओरिनिको नदी का उद्गम स्थान सियेरा परिमा पर्वत है और वह अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। कोलंबिया नदी का उद्गम स्थान कोलंबिया झील कनाडा है और वह प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। डोन नदी का उद्गम स्थान टूला रूस है जो अजोब सागर में जाके गिरती है। टिग्रिस नदी का उद्गम स्थान टॉरस पर्वत टर्की है और वह कहाँ गिरती है? सत अल अरब में जाके गिर जाती है। तो इस प्रकार हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।